हैरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट टी। वो चॉकलेट से बनती है, इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट लगती है वो सब। अब हम स्टार्ट करते हैं चॉकलेट टी बनाने की रेसिपी। इसमें हमने गैस पे एक तपेली ले ली है, गैस का बर्तन ऑन करते हैं, उसमें आधा कप पानी मिलाते हैं। ये पानी बॉयल होगा तब इसमें हम चाय का पाउडर डाल देंगे। पानी हमारा बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें 2 चम्मच टी पाउडर डाल देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए थोड़ा कम ही किया है। इलायची, दालचीनी वो डाल रहे हैं। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते। अब हम इसमें 1 ग्लास मिल्क डाल रहे हैं। शुगर भी ऐड कर रहे हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। चॉकलेट टी में खास हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है चॉकलेट। ये हमने डार्क कंपाउंड लिया हुआ है, ये लगभग 80 ग्राम के करीब है। ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब ये चॉकलेट मेल्टेड होता है तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे। देखिए इसका कलर अब चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी चॉकलेट जब तक मेल्टेड होती है तब तक आप उनको हिलाते रहना। ये टी पीने में बहुत ही अच्छी है और डेलीशियस है, खास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। ये देखिए इसका कलर अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है। गैस का फ्लेम ऑन रखिए, उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम आप ऑफ कर दीजिए। अब हम स्विच ऑफ कर देते हैं। चॉकलेट टी को एक ग्लास में चर्न कर देंगे। और अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे। ये अमूल क्रीम लिया हुआ है, वो आप अगर चाहे तो डाल सकते हैं। ये गार्निशिंग हम इस तरह से करेंगे। देखिए लिया है हर्षीज का जो सिरप आता है ना 10 रुपीज का, वो ऊपर से डाल देंगे, बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। किसी भी चीज़ से डेकोरेशन कर सकते हैं। ये हमने कुछ चॉकलेट चिप्स दिया है, वो भी हम ऊपर से डाल देंगे। ये हमारा रेडी है चॉकलेट। दोस्तों ये रेसिपी आप घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी दिखाएगा। अगर आपको मेरी चैनल अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
थैंक यू।